देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज़, मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आइए रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मलियाबाद क्षेत्र के रहीमाबाद चौकी के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय सस्पन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश के निर्देशन में एसडीएम मलियाबाद अजय कुमार राय की अध्यक्षता में प्रत्याशियों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें बताया गया है कि कोई भी प्रत्याशी जुलूस नहीं निकाल सकता है, ना ही दारू शराब मिठाई रुपए आदि बांटेगा। आदर्श आचार संहिता लागू है, अगर कोई भी इसका उल्लंघन करते पाया गया तो उसको हवालात की सजा काटनी होगी। कोई भी प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। बैठक में सीओ मलियाबाद योगेंद्र सिंह, तहसीलदार शंभु शरण, मलियाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक चिरंजीव मोहन आदि कई लोग मौजूद। तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आपका जो कैंडिडेचर है, जो आपके प्रत्याशी यदि फाइनल हो जाते हैं तो वह खारिज कर दिया जाएगा और उसकी रिपोर्ट मैं खुद भेजूंगा, सब सीओ साहब भेजेंगे। ज्वाइंट रिपोर्ट जाती है और हमारी रिपोर्ट काटी नहीं जाती, वो फाइनल हो जाती है। तो धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, मजहब इत्यादि पे कोई भी वोट नहीं मांगा जाएगा। दूसरा, एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी के जो परिवार है उसका सम्मान करेगा, पत्नी बच्चे। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। अपने सुझाव कमेंट में देते रहिए। देखते रहिए केपीपीएन न्यूज।